हे नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपके पास कोई भी एंड्रॉइड का डिवाइस है, कोई भी Xiaomi का डिवाइस है, तो उसमें आप iOS 13 का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पर आप देख लीजिए जो सारे आइकन पैक है वो आपको iOS 13 के देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ बात करें यहाँ पर iOS कंट्रोलर की, तो iOS कंट्रोलर भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर iOS कंट्रोलर देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ आपको ढेर सारे फंक्शन और भी देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आपका जो डिवाइस है उसके फुल तरीके से iOS 13 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस आइकन पैक के बारे में। तो गाइस मेरे पास है Redmi Note 6 Pro और मैंने एक थीम के जो आइकन पैक है उसको इस्तेमाल किए हुए है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं जो iOS की आइकन है वो बिल्कुल आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी लॉन्चर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल सी एक थीम को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है iOS Bose V10। गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए iOS Bose V10 शायद आपने इस्तेमाल की हुई हो की होगी और आपने हमारा वीडियो भी देखा होगा तो आपको शायद मालूम होगा कुछ इस तरह की जो थीम है उसमें काफ़ी बढ़िया आपको आइकन पैक देखने को मिल जाते हैं। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए कुछ इस तरह की मैंने आइकन पैक को सेट कर दिया। तो जो अगर आप आइकन पैक को ही सेट कर देते हैं तो बिल्कुल आपका जो डिवाइस है वो iOS की तरह देखने को मिल जाता है। अब गाइस बात आती है यहाँ पर iOS कंट्रोलर की। तो गाइस जो ये iOS कंट्रोलर है तो गाइस यहाँ से आप जिसे स्वाइप अप करते हैं तो कुछ इस तरह का iOS कंट्रोलर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं उसमें आपको वॉल्यूम मिल जाता है, साथ ही साथ ब्राइटनेस भी देखने को मिल जाती है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर बात करें जो है ब्लूटूथ है, आपको यहाँ पर वाईफाई भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ स्क्रीन रोटेशन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा गाइस यहाँ पर लॉक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ ढेर सारे और कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर हो गई टॉर्च। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको कैमरे, कैलकुलेटर और काफ़ी सारा फंक्शन देखने को मिल जाता है। तो गाइस ये काफ़ी कमाल का है क्योंकि आप डायरेक्ट इजीली यहाँ से शॉर्टकट मेनू इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपल से स्वाइप अप करना है। गाइस यहाँ पर देख सकते हैं तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क करती है। गाइस यहाँ पर देख लीजिए प्रॉपर तरीके से वर्क करती है, आपको इस्तेमाल करने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ, तो गाइस वीडियो स्किप मत करिएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है जिसका नाम है iOS 13 कंट्रोलर। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका जो iOS कंट्रोलर है वो देखने को मिल जाएगा। गाइस इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपल सा ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की आपका जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको परमिशन को अलाउ कर देनी है और गाइस ये जो बटन दिख रहा है अगर ऑफ है तो आप इसको अनेबल कर दीजिए। अनेबल करते ही आपकी जो iOS कंट्रोलर है वो वर्क करने लगेगा। तो गाइस यहाँ पर एडवर्टाइज को आप स्किप भी कर सकते हैं। तो गाइस अब बात आती है इसको कैसे सेट करें। तो गाइस यहाँ पर आपको दिख जाएगा एक ऑप्शन जिसका नाम है पोजीशन। तो पोजीशन में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी बटन का कलर रखना चाहते हैं जैसे कि आप देख लीजिए जिस तरह के आप यहाँ पर रखना चाहते हैं उस तरह का आप यहाँ से बटन की स्टाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि गाइस आप देख लीजिए कुछ इस तरह के आपको बटन रख दिया। इसके अलावा कहाँ पर भी आपका जो बटन है उसकी साइज कितनी रखनी है वो भी आप यहाँ से नकी कर सकते हैं। गाइस यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बॉटम पर रखना है, राइट, लेफ्ट, जो भी आपकी मर्जी है वो यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाएगा जिसमें आपको डिफॉल्ट है, करंट वॉलपेपर है, ट्रांसपेरेंट है, वो भी आपको जो सेट करना है वो कर लीजिएगा। गाइस इसके बाद आप जैसे अनेबल कर देंगे तो आपकी जो मेन स्क्रीन है उस पर ये आ जाएगा। गाइस यहाँ पर आप देख लीजिए जैसे हम स्वाइप अप करते हैं तो iOS कंट्रोलर हमारा ओपन हो जाता है। सो गाइस मुझे लगता है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।